क्या आप कभी ऐसा सोचते हो कि आप ऐसा कौन सा काम करते हो जिससे कि उस लड़की को पता चल जाता है कि आप उसे पटाना चाहते हो, आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो? आप ऐसा कौन सा काम करते हो या फिर ऐसी कौन सी हरकतें करते हो जिसके बाद उस लड़की को ये बात महसूस हो जाती है कि आप उसे इम्प्रेस कर रहे हो, आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो? देखो, ये वीडियो बनाने का केवल मेरा एक यही इंटेंस है, क्योंकि बहुत से लड़के लोग मुझे कहते हैं कि सर, लड़की से मैं बात करता हूँ, सर मैं उस वूमन को इम्प्रेस करने के पीछे लगा पड़ा हूँ, मगर पहले उसके भाव मिल रहे थे, मगर अब ना वो भाव दे नहीं रही है, बल्कि भाव खा रही है। वो ऐसा कर रही है जैसे कि मैं उसके पीछे एकदम पागलों जैसा घूम रहा हूँ, सर मुझे उसे इम्प्रेस करना है, सर उसे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, बट उसे पता भी ना चले और मैं उसे पटा भी लूँ, उसे पता भी ना चले और मैं उसे इम्प्रेस भी कर लूँ। तो दोस्तों, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ये काम करते हो तो उसको पता चल जाता है कि आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, आप उसे पटाना चाहते हो या फिर आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। वेल, ये वीडियो ओनली आपके एजुकेशन के लिए है, ताकि आप जिसको इम्प्रेस करना चाहते हो, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, जिसको अपनी पार्टनर बनाना चाहते हो, 100% आप उसे बना पाओ, ठीक है? तो भाई, जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे एक लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, वैसे तो ये बात सिर्फ एक लड़का ही समझ सकता है कि देखो, लड़का चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मगर जब उसके सामने उसकी क्रॉस आती है ना, जिसको वो पसंद करता है, उसके सामने वो कमज़ोर पड़ ही जाता है। वो कितना भी स्ट्रांग होता है ना, उसकी सारी स्ट्रांग गिरी घुइया के खेत में चली जाती है। जैसे कि आप उसके सामने एकदम से हार से मान लेते हो, आपको अपनी फीलिंग पे, अपने जज्बात पर कंट्रोल ही नहीं रहता है, और उसी चीज को वो मुआयना करके ये बात पता लगा लेती है कि आप उसे इम्प्रेस कर रहे हो, आप उस पर ट्राई मार रहे हो, आप उसे लाइन मार रहे हो, जिसके बाद उसका भाव बढ़ जाता है। मैंने अक्सर कई ऐसे लड़कियों को देखा है कि मतलब जैसे उनकी क्रॉस आती है, जिनको वो पसंद कर रहे होते हैं, वो जैसे उनको देखे, देखते ही लाइन मारना स्टार्ट, जैसे कि उसको घूरने लग जाते हैं, उसको देख करके स्माइल करने लग जाते हैं, उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं, मन ही मन कुछ ना कुछ ऐसे बड़बड़ाने लग जाते हैं, जिससे कि उस लड़की को पता चलता है कि ये लड़का मुझसे बात करना चाहता है, ये लड़का मुझको इम्प्रेस करना चाहता है, और ऐसे में लड़की भाव खाने लग जाती है। लड़की उसके बाद आपकी परीक्षा लेने लग जाती है, समझते हैं, एग्जाम की, देखती हुई कि लड़का कितने हद तक मेरे पीछे भाग सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि उस लड़की को पहले तो कंफर्टेबल फील कराओ, पहले उस लड़की को ना अटेंशन मत दो, नोटिस कराओ कि मैं आपके आसपास रहता हूँ, तो मतलब कि आप मुझे जानती हो, मतलब कि हम दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। जब आप ऐसा करोगे तो लड़की को भाव तो नहीं मिलेगा, मगर लड़की आपको कहीं ना कहीं नोटिस करने लग जाएगी कि हाँ, मैं इस बंदे को जानती हूँ, हाँ, इस बंदे को देखती रहती हूँ, तो मतलब इस बंदे से मुझे कोई खतरा नहीं है। सबसे पहला काम, जिससे कि उस लड़की का भाव ना बढ़ जाए। एंड इसके अलावा आपको ये भी काम नहीं करना चाहिए, जिसको आप पसंद करते हो, जिसको आप पटाना चाहते हो, उसको कभी आपकी इंटेंस समझ में नहीं आनी चाहिए कि आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब आप ये फीलिंग अपने मन में रखते हो ना कि मुझे इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, या फिर इसको मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, या फिर कैसे भी इसे इम्प्रेस करना है, तो उसके लिए आप फ्रेंड हद से ज़्यादा उसके लिए सब चीज़ें करने लग जाते हो। और यहाँ पर एक बात और रिपीट होती है कि आप अपने इमोशन पे भी कंट्रोल नहीं करते हो। जैसे कि वो जब भी आपको देखती है, आप उसकी तारीफ़ करते हो, वो जब भी आपसे मिलती है, आप उसकी हर एक बात में हाँ मिलाते हो, आप जब भी उसके सामने बात करने की कोशिश करते हो, थोड़े बहुत नर्वस होते हो, घबराते हो, उसके रॉन्ग डिसीजन पे भी आप राइट बातें कहते हो कि बिल्कुल यार सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, कुएं में गिरने से इंसान ताकतवर होता है, तुम भी कुएं में गिर जाओ, ताकतवर हो जाओगी। अब उसे बात पता चल जाती है कि ये लड़का मेरे पीछे लट्टू है, इसीलिए ये मेरी हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, मेरे साथ इतना फ्लर्ट करता है, तारीफ करता है, ऐसा कुछ। असल में आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर अपने जज्बात के साथ काम नहीं लेना है, अपने दिल के साथ काम नहीं लेना है, बल्कि दिमाग से चलना है आपको। ब्रांड अगर लड़की इम्प्रेस करनी हो तो दिल की जरूरत नहीं पड़ती है, दिमाग की पड़ती है। अगर आप दिमाग सही तरीके से यूज़ करते हो तो 100% होता है कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है। अब वो कैसे? सबसे पहला, आप उस लड़की के साथ ना एक फ्रैंक नेचर तैयार करिए। फ्रैंक, अब देखिए, दोस्ती हो चुकी है, बातचीत चल रही है, तो फ्रैंक नेचर होना बहुत ज़रूरी है।
हालांकि उसे कभी आपकी इंटेंस समझ में नहीं आए कि आप उसे इंप्रेस करना चाहते हो। हाँ ठीक है, रोमांटिक बातें कर तो कभी कभी, हाँ ठीक है आप उससे कोई लव शायरी भेज देते हो, कुछ ऐसी चीजें भेजते हो जिसको समझ में आता है कि लड़का पसंद करता है, मगर आप उसके साथ ज्यादातर नेचर फ्रेंड के जैसे ही रखते हो। ऐसे में क्या होता है, लड़की कभी वो इंटेंस से आपके साथ वो टाइम स्पेंड करती ही नहीं है, क्योंकि भाई ऐसे में नर्वस होता है, भाव खाना होता है, मगर यहाँ तो फ्रेंडशिप जैसा नेचर है ना कि हाँ ये लड़का इंप्रेस नहीं कर रहा मुझे, तो आपसे लॉन्ग टाइम तक बातें करती है, अटैचमेंट होता है, ट्रस्ट करती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है। माइंड गेम खेलने वाले लड़के ऐसे ही लड़की इंप्रेस करते हैं, कभी उसे बताते नहीं है कि मैं तुम्हें इंप्रेस करना चाहता हूँ, मगर उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसको अपनी लत लगा देते हैं, जिससे कि उसकी तरफ इंप्रेस होती है, अट्रैक्ट होती है ना। ये चीज आपको समझना है, ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करनी हर बात में, हाँ मैं मिला रहा, नॉर्मली कैजुअली उसके साथ रहिए, फ्रैंक नेचर रखिए, उससे हंसी मजाक करिए, ऐसा इंटरटेन बंदा उसके सामने प्रेजेंट करिए तो उसको ऐसा लगे कि अगर मैं सैड हूँ या मेरे को कोई फीलिंग बतानी है तो इसी बंदे से बतानी है, ये बंदा समझता है, अंडरस्टैंडिंग है, मेच्योर है, ऐसा कुछ। क्लियर? अब तीसरा और सबसे आखिरी और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बाद वो लड़की आपकी बात करने के तरीके से ही समझ जाती है कि आप उससे इम्प्रेस करना चाहते हो। जैसे कि आप उससे बात करते समय, मानता हूँ मैं कहता हूँ हर वीडियो में स्वीट टोन रखिए, मगर यहाँ पर फ्रेंड जानबूझकर अपना टोन को स्वीट मत करिए, आप जैसे हैं वैसे ही उससे बात करने की कोशिश किया करें। ये नहीं है कि मतलब कि आप उससे बातें कर रहे हो और उसके बाद उसको ऐसा ट्रीट करवा रहे हो कि मतलब कि तुम ना एकदम सबसे ज़्यादा अलग हो मेरी लाइफ में, है ना। मानता हूँ उसको स्पेशल फील करवाना पड़ता है, मगर उसके सामने ना कैजुअली रहो यार, जब तक आप उसके पीछे भागोगे ना तब तक वो आपको अपने पीछे भगाएगी, मगर जब उसको ये बात पता चलती है ना कि औरों लड़कों की तरह नहीं है ये मेरे पीछे नहीं भागता है, तो 100% होता है ऐसा कि उस लड़की का ना आपको ज़्यादा भाव मिलता है, वो ज़्यादा आपके पीछे पड़ी रहती है कि मैं इसको पागल करके रहूँगी, मगर यहाँ पर आप पागल नहीं हो रहे हो। ये चीज़, इस चीज़ को समझो यार। देखो इसके पीछे का सिंपली लॉजिक ये है कि अगर आपके माइंड में ये होता है कि मैं इससे इंप्रेस करना चाहता हूँ, आज इसको अपने दिल की बात बताऊंगा, आज इसको मैं 100% है कि दोस्तों की भाभी बना के रहूंगा, तो ऐसे में क्या होता है कि आप ना थोड़े से घबरा जाते हो, बात कंफर्टेबली नहीं कर पाते हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, नर्वस होते हो, उसके सामने ज़्यादा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और ऐसे में लड़की जज करती है कि डर क्यों रहा है, फट्टू है क्या, साई क्यों बन रहा है, मीठा मीठा है क्या, मतलब अगर आप नहीं भी हो तो भी आपकी इमेज ऐसी तो बन रही है ना उसके सामने। ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको यार। अगर आपके मन में ये सब बातें नहीं चल रही है तो आप सॉलिड प्लानिंग बनाकर जाओगे, कैजुअली बात करनी है, हाय हेलो करनी है, एंटरटेन करना है, हाँ ठीक है हाल समाचार लेना है, ऐसी बात होगी ना, है कोई इमोशन नहीं लगा आपके मन में तो जाहिर सी बात है नॉर्मली आप बात करोगे, और जब नॉर्मली बात करोगे तो उसकी माइंड भी कन्फ्यूजन रहेगा कि लड़का चाहता क्या है यार, कभी लगता है पसंद करता है और कभी जब मैं ये सोचती हूँ कि नहीं से रिजेक्ट करूंगी तब पता चलता है कि अरे इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता यार, ये तो कैजुअली मुझसे बात करता है। ऐसे ऐसे से कंफ्यूज करके रखोगे तो लड़की कभी इंटरेस्ट आपसे कम नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको भाव देना कम करेगी, बल्कि जितना आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहिए ना, जितना आपके साथ वो बातें को शेयर करना, बातें रखना, आपको समझना और बातें करना लॉन्ग टाइम तक, उतना वो दुनिया के किसी भी इंसान के साथ नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो ऐसा कुछ, और भी बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे आपको समझाना है, मगर आप लोगों ने कहा था कि सर वीडियो अगर शॉर्ट फॉर्म में बताओगे तो अच्छा लगता है, तो चलो छोटे छोटे पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप लोग इस वीडियो को पार्ट टू देखने में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा भाई, जितने ज़्यादा कमेंट होगा उतना ज़्यादा चांस होगा कि हम इस वीडियो का पार्ट टू बनाएंगे। बस यार छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से मदद हुई है तो बिना लाइक किए जाना मत, पर्सनली किसी टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हो उसके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, बस इस वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना।